दोस्तों, इंसानियत ये एक ऐसा शब्द है जो आज के जमाने में बहुत कम ही सुनने को मिलता है, क्योंकि आज के इस तेज जमाने में लोगों के पास किसी दूसरे इंसान के लिए एक पल की भी फुर्सत नहीं है। ऐसे में अगर किसी इंसान को किसी तरह की मदद की जरूरत होती है तो लोगों के पास इतना भी समय नहीं होता कि वो उस जरूरतमंद इंसान की थोड़ी मदद कर सके। इंटरनेट पर आपको ऐसी बहुत सी घटनाएं देखने को मिल जाएंगी जिन्हें देखकर ही लोगों का इंसानियत से भरोसा उठने लगता है। अब अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनका इंसानियत से भरोसा उठ चुका है तो ये वीडियो खास तौर से आप ही के लिए है, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको दुनिया में घटी कुछ ऐसी खूबसूरत घटनाओं की वीडियोस दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप इंसानियत में एक बार फिर से विश्वास करने लगेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है ये कलर ब्लाइंडनेस की समस्या से पीड़ित था। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम होती है जिसमें इंसान कुछ खास रंगों या फिर सभी रंगों को देख नहीं पाता है। इस लड़के ने अपने जीवन में अभी तक कोई भी रंग नहीं देखा था, और फिर एक दिन इस लड़के के टीचर ने इसको एक खास किस्म का चश्मा गिफ्ट किया जिससे ये रंगों को देख सके। और जैसे इस लड़के ने ये चश्मा अपनी आंखों पर लगाया तो वो अपने चारों तरफ इतने सारे रंग देखकर हैरान रह गया। इस दुनिया के इन खूबसूरत रंगों को पहली बार देखकर वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। इस वीडियो में अब आप चश्मा पहनने के बाद इस लड़के का ये रिएक्शन देखिए। वाकई में इसको देखकर तो किसी का भी दिल भर आएगा। खुद को थोड़ा संभालने के बाद ये लड़का अपने क्लासरूम में चारों तरफ रंगों को ऐसे निहारता है जैसे ये किसी नई दुनिया में आ गया हो। तो दोस्तों, देखा आपने कि उस नेक दिल टीचर के एक छोटे से इंसानियत भरे काम से इस बच्चे को कितनी बड़ी खुशी मिल गई। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में अच्छा और बुरा दोनों तरह का वक्त आता है, और कई बार तो लोगों के सामने ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनसे निपटने के लिए उन्हें अपना सब कुछ बेचना तक पड़ जाता है। इस वीडियो में जो महिला आपको दिखाई दे रही है वो भी इसी तरह की किसी परेशानी से गुजर रही थी, और इस परेशानी का हल निकालने के लिए वो अपनी अंगूठी बेचने एक ज्वेलरी की शॉप पर पहुंची। शॉप पर खड़े सेल्समैन ने सबसे पहले एक नज़र रिंग की जाँच की और फिर महिला से पूछा कि वो इस रिंग को आखिर क्यों बेच रही है। सेल्समैन के पूछने पर इस महिला ने उसको अपनी पूरी परेशानी के बारे में बता दिया। महिला की बातें सुनकर इस सेल्समैन को बहुत दुख हुआ और उसने तुरंत ही उसकी मदद करने का इरादा कर लिया। उस सेल्समैन ने महिला को पहले उस रिंग की अच्छी कीमत अदा की, और पैसे देते ही उसने रिंग को भी वापस महिला की तरफ बढ़ा दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि ये पैसे उसकी तरफ से एक गिफ्ट है। सेल्समैन के ऐसा कहते ही उस महिला की आंखों से आंसू निकल गए, और वो विश्वास नहीं कर पाई कि दुनिया में अभी भी इतने नेक दिल इंसान मौजूद हैं। इसके बाद उसने सेल्समैन को गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, दुनिया में एक इंसान के लिए अपनी औलाद को खोने से बड़ा कोई और दुख नहीं होता है, और इस वीडियो में जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है वो इसी दुख से पीड़ित था। दरअसल हुआ ये कि इस व्यक्ति के जवान लड़के पर एक दूसरे लड़के ने किसी बात को लेकर हमला कर दिया, और उस हमले में इस व्यक्ति का वो मासूम बेटा मर गया। अब इस व्यक्ति की जगह अगर दुनिया का कोई भी बाप होता तो वो किसी भी कीमत पर अपने बेटे के कातिल को मौत की सजा जरूर दिलवाता। लेकिन इस नेक दिल इंसान ने कोर्ट के अंदर कुछ ऐसा किया जिसको देखकर वहां मौजूद हर एक इंसान हैरान रह गया। दरअसल इस व्यक्ति ने भरी कोर्ट में अपने बेटे के कातिल को माफ कर दिया, जबकि कोर्ट में ये साबित हो चुका था कि कत्ल उसी लड़के ने किया है। इस व्यक्ति का कहना था कि दुनिया में कोई भी इंसान जानबूझकर कोई पाप नहीं करता है, बल्कि उसके अंदर बैठा शैतान उससे इस तरह की गलतियां करवाता है, और यही सोचकर उन्होंने इस लड़के को माफ कर दिया। माफ करने के बाद इस व्यक्ति ने लड़के को अपने गले से लगा लिया और फिर दोनों बुरी तरह रोने लगे। ये सीन देखकर कोर्ट में मौजूद हर एक इंसान की आंखें नम हो गईं। यहाँ तक कि जज भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई। अपने बेटे के कातिल को माफ कर देना ये वाकई बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, अब आप जरा ट्रैफिक कैमरे में रिकॉर्ड हुई इस वीडियो को देखिए। आप देख सकते हैं कि सिग्नल रेड होने पर ये बूढ़े व्यक्ति सड़क को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उम्र काफी ज्यादा होने के कारण वो बहुत धीमी रफ्तार से रोड पर चल रहे थे, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सिग्नल ग्रीन होने से पहले रोड को पार नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अगर सिग्नल ग्रीन हो जाता तो इससे उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन इतने में वहाँ ड्यूटी कर रहा एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर इन बुजुर्ग के पास पहुँचता है। उस पुलिस अफसर को ये अंदाजा हो गया था कि ये बूढ़े व्यक्ति सिग्नल ग्रीन होने से पहले सड़क को पार नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए वो उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर सड़क पार करवा देता है। इस दयालु पुलिस अफसर ने जो किया वो वाकई में काबिले तारीफ था,
और दोस्तों इस नेक दिल पुलिस अफसर के लिए इस काम के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने लिए कोई चीज खरीदना चाहते हैं, लेकिन पैसे पूरे न होने की वजह से हम उसको खरीद नहीं पाते, और ऐसा ही एक मामला इस वीडियो के अंदर भी देखने को मिला था। दरअसल संगीत का शौक रखने वाला ये लड़का एक गिटार खरीदने के लिए शॉप पर गया था, लेकिन इसने जितना सोचा था गिटार उससे कहीं ज्यादा महंगा निकला। इस लड़के ने बड़ी मेहनत से गिटार खरीदने के लिए ये पैसे जमा किए थे, लेकिन ये जानकर उसको काफी निराशा हुई कि गिटार खरीदने के लिए ये पर्याप्त पैसे जमा नहीं कर पाया था। लड़के ने दुकानदार से काफी विनती की कि वो गिटार की कीमत थोड़ी सी कम कर ले, लेकिन दुकानदार ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। ये पूरा सीन इस शॉप में खड़ी हुई एक महिला देख रही थी। जब उस महिला ने देखा कि दुकानदार ने लड़के को गिटार देने से मना कर दिया है, तब वो सामने आई और उसने अपने पैसों से उस लड़के को गिटार दिलाने की बात कही। वो लड़का उस महिला की इस दरिया दिली पर विश्वास नहीं कर पाया और बड़ी हैरत से महिला को गिटार के पैसे देते हुए देखने लगा। इस दयालु महिला ने गिटार की रकम चुकाई और लड़के को गिटार गिफ्ट कर दिया। इस लड़के के चेहरे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना ज्यादा खुश था। दोस्तों इस वीडियो में दिखाई दे रहे इस पुलिस अफसर ने ओवर स्पीडिंग के चलते इस लड़के का चालान करने के लिए इसको रोक लिया था, लेकिन जब इस पुलिस ऑफिसर को सच्चाई पता चली तो इसने इंसानियत के नाते न सिर्फ इस लड़के को बिना चालान किए छोड़ा बल्कि टाई बांधने में इसकी मदद भी की। दरअसल इस लड़के ने पुलिस ऑफिसर को बताया कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन स्टाउट में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है और आज इसको एक बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन के लिए जाना है। इसने आगे बताया कि उसको टाई बांधना नहीं आता है, इसलिए ये कॉलेज जाने से पहले अपने दोस्त के घर उससे टाई बंधवाने के लिए गया था, लेकिन उसका दोस्त उस समय अपने घर पर मौजूद नहीं था और अपने दोस्त को ढूंढने के चक्कर में ये लड़का अपना प्रेजेंटेशन के लिए लेट हो गया था। इसीलिए समय पर कॉलेज पहुंचने की कोशिश में इसने थोड़ी सी ओवर स्पीडिंग कर दी। इस नेक दिल पुलिस ऑफिसर ने लड़के की बात सुनने के बाद उससे कहा कि वो टाई बांधने में उसकी मदद कर सकता है, और तब उस पुलिस ऑफिसर ने उस लड़के के लिए टाई बांधी और बिना चालान किए बेस्ट ऑफ लक कहकर उसको छोड़ दिया। दुनिया में ऐसे पुलिस ऑफिसर भी होते हैं, इस बात पर विश्वास नहीं होता है। दोस्तों अब आप मेट्रो स्टेशन पर रिकॉर्ड हुए इस वीडियो पर जरा एक नजर डालिए। एक व्यक्ति जब ट्रेन के अंदर जाने का प्रयास करता है तो किसी तरह उसका पैर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में बने गैप के अंदर बुरी तरह से फंस जाता है। वो व्यक्ति अपना पैर निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो किसी भी तरह अपना पैर निकालने में कामयाब नहीं हो पाता। ये नजारा देखकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोग तुरंत उसकी मदद के लिए सामने आते हैं। ये सभी लोग इस ट्रेन को एक साथ एक तरफ से धक्का लगाते हैं ताकि ट्रेन एक तरफ थोड़ी झुक जाए और ये व्यक्ति अपना पैर बाहर निकाल सके। इन लोगों की एकता और हेल्पफुल नेचर के चलते आखिरकार ये व्यक्ति अपना पैर बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। एकता में ताकत होने की इससे अच्छी मिसाल भला और क्या होगी। दोस्तों हम इंसान किसी भी जरूरत या परेशानी के बारे में एक दूसरे को बोलकर बता सकते हैं, लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर सकते और इसीलिए इन्हें बेजुबान कहा जाता है। ऐसे में हम इंसानों का ये फर्ज बनता है कि हम सभी इंसानियत के नाते इन बेजुबान जानवरों की मदद करें। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति कैसे अपने हाथों से इस कुत्ते को पानी पिला रहा है। ये कुत्ता प्यासा था, ये बात इस बुजुर्ग व्यक्ति को तुरंत ही समझ में आ गई और पास में कोई बर्तन न होने के कारण इन्होंने कुत्ते को अपने हाथों से ही पानी पिलाया। ये वीडियो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। दोस्तों इंटरनेट पर हमें ऐसी बहुत सी वीडियोस देखने को मिलती हैं जो साबित करती हैं कि लोगों में इंसानियत आज भी जिंदा है। जैसे कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि एक व्यक्ति इस छोटे से प्यासे जीव को किस तरह बोतल से पानी पिला रहा है। हम इंसानों के यही छोटे छोटे काम इंसानियत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। आप भी जब अपने आसपास किसी जानवर को परेशानी में देखें तो उसकी मदद जरूर किया करें, क्योंकि आपकी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है। दोस्तों अब आखिर में आप इस वीडियो को देखिए जिसमें आपको ये लैब्राडोर डॉग बर्फ में बैठा हुआ नजर आएगा। असल में ये कुत्ता बर्फ में बैठा हुआ नहीं है बल्कि ये बर्फ के अंदर फंसा हुआ है। ये कुत्ता ना जाने किस तरह एक बर्फ से जमी हुई झील के बीच में चला गया और बर्फ टूटने के कारण ये उस झील में ही फंसा रह गया। इस कुत्ते को निकालना इसलिए काफी मुश्किल था क्योंकि झील पर जमी ये बर्फ ज्यादा मोटी नहीं थी और ज्यादा वजन पड़ने पर इसके टूटने का खतरा था। ऐसे में इसको बचाने गए व्यक्ति की जान खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन इन जांबाज फायर फाइटर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस कुत्ते की मदद करने का निर्णय लिया। ये दोनों बड़ी ही सावधानी से बहुत धीरे धीरे चलते हुए इस कुत्ते के पास पहुंचे। ये अपने साथ रस्सी से बंधा हुआ एक प्लेटफॉर्म लेकर गए थे। इन दोनों ने कुत्ते को आहिस्ता से उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा दिया, जिसके बाद किनारे पर खड़े इनके तीसरे साथी ने रस्सी से खींचकर इस कुत्ते को बाहर निकाल लिया। इंसानियत के नाते इन लोगों ने जो किया वाकई वो काबिले तारीफ था।
बाकी दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।